एल्गोरिदम कंप्यूटर के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, कैलकुलेशन होती है, उसे कहते हैं हम एल्गोरिदम, है ना। वो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक में काम करता है। स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, एक फॉर्मूला होता है उस बेसिस पे। सेकंड, बाइनरी। यू मे सीन सो मेनी टाइम दैट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दिस इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बट इट डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। एक्चुअली जिस लैंग्वेज पे काम करता है उसे कहते हैं हम बाइनरी। बाइनरी लैंग्वेज, इट मीन्स 0 and 1। सो द कंप्यूटर एंड द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, विच इज बाइनरी। कंपाइलर, इन अ कंप्यूटर साइंस जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर कुछ प्रोग्राम बनाता है तो सोर्स कोड लिखता है रॉ मटेरियल में। जब उसका रिजल्ट फाइंड करने के लिए वो कंपाइल करता है, यानी कि ट्रांसलेट करता है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इज कंपाइलर। सेम एज जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर कुछ प्रोग्राम लिखता है तो उसमें मिस्टेक भी फाइंड होती है, मिस्टेक निकलती है। जब उस मिस्टेक, उसे कहते हैं बग, और जब उस बग को सॉल्व किया जाता है उसे कहते हैं डीबगिंग। सो व्हेनेवर हम जब भी किसी से बातें करते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, यदि उस इंफॉर्मेशन को किसी सीक्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, दैट इज कॉल्ड इंक्रिप्शन, एक प्राइवेट प्रोटेक्शन फाइल में कन्वर्ट करना। इन अ कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस में जो एक सिक्योरिटी लॉक होता है, एक बॉल होती है, उसे फायरवॉल कहते हैं, जिससे वायरस कंप्यूटर के अंदर इंटर ना हो सके। तो बीच का जो वॉल होता है उसे कहते हैं हम फायरवॉल।